कि 5 साल पहले आपके दारुलूम में न्यू एडमिशन हर साल कितने होते थे और अब एडमिशन आपके दारुलूम में कितने होते हैं वो बताएंगे। 5 साल पहले अगर 500 बच्चों के नए एडमिशन होते हर साल मदरसे में या दारुलूम में, तो आज कंडीशन ये है, ऐलान करते हुए, बयान देते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए 100 एडमिशन कराना साल में मुश्किल हो जाता दारुलूम में। मैं जहां पहुंच रहा हूं शायद आप वहां नहीं पहुंचे। आज एक बड़ा तबका इस दीनी तालीम से दूर हुआ इसलिए कि हम अपनी औलाद को अगर मस्जिद का इमाम बनाएंगे तो पूरी जिंदगी वो लोगों के हाथों जलील और रुस्वा होता रहेगा। लोग नहीं पढ़ा रहे, दौर कितना बदला। अगर आपका जहन हाजिर है, सरकार वसे आजम ईरान के रहने वाले थे जहां की जबान फारसी है। इल्म हासिल करने के लिए मदरसे के उलमा की असातिजा की मशाइख की तलाश में निकले, पहुंचे कहां बगदाद मौला। कौन निकला? सरकार वसे आजम रजी अल्लाह अन्हु। वो दौर था जब लोग अपनी तरफ से तलाश में निकलते थे कोई मदरसा मिल जाए, कोई आलिम रब्बानी मिल जाए, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, कोई शेख तरीकत मिल जाए जिसकी निगाह करम से और जिसकी बारगाह में शरफ तलम्मुस हासिल करने से अल्लाह हमारे सीने को नूर से मुनव्वर कर दे। सरकार उसे ईरान से चले तलाश करते हुए अल्लाह वाले मशाइख और पहुंचे बगदाद की सरजमीन पर। जमाने में बगदाद इल्म फजल का मरकज हुआ करता था। जमाना बदलते बदलते आज हालत उल्टी हो गई। आज हालत यह है कि दारुलूम के न्यू एडमिशन के लिए बाज़ाब्ता 24x36 का पोस्टर बनता है, न्यू एडमिशन का ऐलान होता है और उसमें खाना भी बताया जाता है, अच्छे असातिज़ा भी, नाम भी, सहूलतें भी, ये आपको आराम देंगे। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए मदरसे में कोई आने वाला एडमिशन लेने वाला नहीं। आप जानते हैं दौर कितना बदला। दौर बहुत ज्यादा बदल गया और ये बदला कैसे? हमारे रवैये की बुनियाद पर, हमारे अंदाज की बुनियाद पर, हमारी फिक्र की बुनियाद पर, हमारी सोच की बुनियाद पर। अल्लाह का शुक्र है कि आपके यहाँ उलमा हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वरना आज भी आप अगर एमपी में ही नजर दौड़ा लेंगे तो ऐसे भी मुस्लिम इलाके हैं जहां ना मस्जिदें हैं ना इमाम हैं, मुसलमान होने के बावजूद भी गैर मुस्लिमों के साथ उनके रस्म और रिवाज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। मुसलमान लेकिन गैरों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जो कौम आलिमों से महरूम हो जाती है वो हर फजूल कमाल से महरूम हो जाती है। जो कौम रहनुमा से महरूम हो जाए, लीडर से महरूम हो जाए, वो हर खैर से महरूम हो जाती है। लोगों ने पढ़ाना बंद क्यों कर दिया? न्यू एडमिशन आज मदरसों में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने उलमा पर जुल्म किया। ये जो मस्जिद है जिसमें आप बैठे हुए हैं, जानते हैं ये क्या है? ये काली चहार दीवारी नहीं है, ये वो इस्लामी मरकज है कि जहां से इस्लाम निकलकर उस दुनिया के इलाकों तक पहुंच गया। अब कुछ नहीं होगा, फाइनल जो चल रहा है। ये जो मस्जिदें हैं ये इस्लाम फैलाने का मरकज है। मस्जिद नबवी शरीफ से इस्लाम निकला, कहां पहुंचा? पूरी दुनिया में। हालांकि हाल ये था, न न्यूज़पेपर का दौर था, न इंटरनेट का दौर था, न सोशल मीडिया का दौर था, कोई ऐसा दौर नहीं था, लेकिन फिर भी मस्जिद नबवी शरीफ की शान ये थी कि उस इस्लामी मरकज से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। मस्जिदें वही है, कुरान भी वही है, हदीसें भी वही है,
सब कुछ वही है, लेकिन क्या है कि हमने खुद इन मस्जिदों की और मस्जिदों की जो मरकजियत थी खुद हमारे दिल से उसकी अहमियत खत्म हो गई। इन मस्जिदों से रूहानियत आम हुई, इन मस्जिदों से बड़े बड़े अल्लाह वाले तैयार होकर निकले। गौसे आजम कहां से निकले? मस्जिद से। गरीब नवाज कहां से आए? मस्जिद से। इमाम रब्बानी कहां से आए? मस्जिद से। सरकार मुजद्दद अल-फिसानी कहां से आए? मस्जिद से। इमाम गजाली रूहानियत के इमाम कहां से आए? इस अल्लाह के घर से, मस्जिद से। और आज इन मस्जिदों का इस्तेमाल हमारी और आपकी जिंदगी में क्या रहेगा? आज इन मस्जिदों का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में सिर्फ इख्तलाफ के लिए होगा। नहीं साहब, इमाम साहब ने फला गलती कर दी है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं साहब, मस्जिद में ये नहीं होना चाहिए, मस्जिद में ये नहीं होना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपकी कमेटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, आज जितना जुल्म मसाजिद के इमामों पर कमेटी और मोहल्ले की आवाम की तरफ से होता है, इतना जुल्म हिंदुस्तान में कहीं किसी तरफ से नहीं होता है। आपको मालूम, ये उलमा इकराम जो है, आज अगर मिंबर पर खड़े होकर हक बोल दें तो ना कोई हक सुनने वाला है, ना समझने वाला है, ना कबूल करने वाला है। जिनके हाथों में मस्जिद की निजामत है, ये जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका हाल ये है, आवाम को, आवाम खुद कमेटी वालों को हक कबूल करना मुश्किल हो जाता है। जुमे की नमाज के बाद अगर मस्जिद में किसी आलिम अदीब ने कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बयान दिया, ये जो आज के जमाने में नारा लगाया जाता है, ऐसी तकरीर कीजिए किसी को बुरा ना लगे, दरअसल ये जुमला ही मुनाफिकीन का है, ये जुमला ही मुनाफिकीन का है, क्योंकि ऐसी कोई तकरीर नहीं है किसी को बुरा ना लगे। हक बोलोगे तो शैतान को तो बुरा लगेगा, ऐसी कोई तकरीर नहीं है दुनिया में किसी को बुरा ना लगे। ये भी सही, वो भी सही, मेरे नबी फरमाते हैं ये मुनाफिकीन का अंदाज़ है, ये मुनाफिकीन की बोली है, जिनका ईमान सलामत नहीं, जिनके ज़बानों पे जो है अलग अलग टाइप की बातें, अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं, ईमान का तकाज़ा ये नहीं है मुनाफिकीन की बात की जाए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफल मिनन नार, मुनाफिकीन का हाल ये होगा जहन्नम के सबसे निचले वाले गड्ढे में रहेंगे। अगर मस्जिद के इमाम जुमे में कोई तकरीर करते हक बोल दे, अल्लाह और रसूल का पैगाम बयान कर ले, और ज़्यादा अगर किसी भी शख्स ने कमेटी को कह दिया इमाम साहब तकरीर करते, तो बजाय इसके मस्जिद की कमेटी उन लोगों को कहे, खुदा के बंदे उन्होंने कहते हैं जब तकरीर की अल्लाह और रसूल का पैगाम सुना रहे, बजाय इसके कि उसको टोके मस्जिद के इमाम को, हजरत लोग माहौल खराब हो जाएगा, लोग शिकायत कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करना आइंदा से ऐसी बातें ना करना। जो खुददार उलमाए किराम हैं, जो खानदानी हैं, जिन्हें अल्लाह की जात पर भरोसा है, वो इस जुमले के बाद उस मस्जिद में इमामत करते ही करते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे हिसाब से नहीं, अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक चलाएंगे। ये कुरान का फैसला, दीन का फैसला तुम्हारे एतबार से नहीं चलेगा, अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक चलेगा। कुछ लोग रहते जाते हैं, उनका अपना निजाम है। मैं अर्ज कर रहा था हमारी कौम के लिए अलमिया ये है कि जहां बोलना चाहिए था वहां खामोश थे, और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां बोले, और उस बोलने का नुकसान हुआ। आज कितना जुल्म है। सीए और एनआरसी का दौर आया, मुसलमानों को जिस लेवल पर निकलना चाहिए था मुसलमानों ने मतलब ही नहीं रखा, बड़ी तादाद। आप हिंदुस्तान में दो तीन सालों में होने वाले बड़े बड़े जुल्म देख लीजिए। तबरेज अंसारी का मसला आया, मुसलमान खामोश थे। जुनैद और नासिर का मसला आया, मुसलमान खामोश थे। पहलू खान का मसला आया, मुसलमान खामोश थे। हाफिज जुनैद को ट्रेन में मार दिया गया, रमजान के महीने में तरावी पढ़ा के वो अपने घर जा रहा था, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, मुसलमान खामोश थे। आज मस्जिद अक्सा के लिए यहूदी और ईसाई पूरी प्लानिंग किए हुए तैयार बैठे, मुसलमान आज भी खामोश हैं। आप मुसलमान हैं, आपका तर्ज, आपका अंदाज, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका नजरिया, आपका रहन सहन, ये बिल्कुल भी नहीं बताता है कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जर्रे के बराबर भी आपके दिल में तकलीफ है। अगर आपके सीने में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए एक जर्रे के बराबर भी हमदर्दी होती, तो
तो आपकी शादी में आपके दरवाजे पर डीजे नहीं बजते। अगर मस्जिद अक्सा के लिए आपके दिल में हमदर्दी होती तो ये नाचना, ये गाना, ये शोर, ये शराबे, ये हंगामे, ये फसाद आज आपके मोहल्ले में आपके दरवाजे पे बरपा है, ये नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिम कल जिस्म, पूरी मुस्लिम सोसाइटी एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी हिस्से में एक कांटा लग जाए तो पूरे वजूद को तकलीफ होती है। मेरे नबी ने फरमाया यही होना चाहिए था। दुनिया के किसी कोने पर एक कलमा पढ़ने वाला परेशान हो, पूरी दुनिया के हर कलमा पढ़ने वाले को उस बेचैनी को किसी ने महसूस करना चाहिए। क्या हुआ हमारे यहाँ? हमारा खाना नहीं बता रहा है आज कि हमारे सीने में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दर्द है। हम आराम से खा रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, हम आराम से शादियों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी आपने दिसंबर में शादियां देखी, जनवरी देखी आपने, आपने 31 दिसंबर की रात भी देखी होगी। आपको मेरा जुमला सुनकर हैरत हो गया। शराब के ढेकों पर शराब खत्म हो गई थी दो दिन पहले, जो 31 की नाइट हमारे जो नौजवान मनाते हैं, मुस्लिम नौजवान, हाल ये था 31 दिसंबर की रात आने से पहले पहले शराब की दुकानों पर शराब खत्म हो गई थी। केक बनाकर रखे मुसलमानों के जवानों ने अपनी छतों पर, नाचने और गाने की पूरी तैयारी की, डीजे लगा के अपने गली और मोहल्ले में रखे, क्या करेंगे, नई साल का जश्न मनाएंगे। अरे खुदा के बंदो, जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचो। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान की पहचान है, कोई मुसलमान परेशानी में हो तो सीने में तकलीफ का